Morning students, this is science video. We have finished with the chapter 2 explanation and today we are starting with the summary and keywords of this chapter. So it is on page number 22. In this you have to just understand, you don't have to write anything, just understand the keywords that are very important for this chapter to learn, and summary. If you haven't understood the chapter well, then this you can understand the summary, you will get the rough idea of this chapter. Clear? So let's begin with the explanation of keywords and summary of the chapter 2, and it is on page number 22. So students, this is your keywords and summary on page number 22. First we will understand about the keywords and then we will start with the summary. Clear? There are two keywords are given. First is adaptation, second one is habitat. First one, adaptation, the ability to adjust and adapt to survive in a natural habitat. एक ऐसी ability जहाँ पर आप adjust कर लेते हैं, उसी environment में अपने आप को ढाल लेते हैं वहाँ पर ज़िंदा रहने के लिए. ठीक है, कोई अगर इंसान बर्फ़ में अगर जन्म लिया है, मतलब वो पहाड़ी इलाकों में जन्म लिया है, तो वो क्या करेगा, वो ठंड में ही अपने आप ऑटोमेटिकली उसकी बॉडी ठंड में ज़्यादा रिएक्ट नहीं करेगी. जो प्लेन एरिया में जन्म लिया है वो थोड़ा गर्मी सर्दी बारिश सब झेल लेगा. ठीक है ना, ऐसे ही प्लांट्स भी उसी तरह काम करते हैं. अगर वो अंडर वाटर प्लांट है, मतलब वाटर के अंदर काम अगर उगे हुए हैं, तो वो क्या करते हैं, उसी की तरह अपने आप को ढाल लेते हैं, ज़्यादा पानी में रहने की आदत हो जाती है उनको. ठीक है, डेजर्ट में अगर कैक्टस ग्रो कर रहा है तो वो क्या होगा, कम पानी में सर्वाइव करने की उसकी क्या हो जाएगी, अडाप्टेशन हो जाएगी. समझ गए? तो ऐसे ही हर एक लिविंग बीइंग अपने आप को एडजस्ट कर लेता है ताकि वो ज़िंदा रह सके उस इन्वायरमेंट में, तो इसको वो क्या बोलते हैं, अडाप्टेशन बोलते हैं. सेकेंड वन इज़ हैबिटेट, द नेचुरल होम ऑफ अ प्लांट और एन एनिमल. जहाँ पर कोई भी प्लांट ग्रो कर जाता है या फिर कोई भी एनिमल बर्थ ले लेता है, या उसी को हम क्या बोल देते हैं, हैबिटेट बोल देते हैं. क्लियर? मतलब एक तरह से घर. अब कैक्टस का घर कहाँ पे है, डेजर्ट में है. लोटस का घर कहाँ है, वाटर में है. तो वो क्या हो गए, उनके हैबिटेट हो गए. समझ गए? एनिमल जैसे लॉयन का कहाँ पे, जंगल फॉरेस्ट, तो वो उसका क्या बन गया, हैबिटेट हो गया. किसी पेट डॉग का हैबिटेट क्या हो गया, हमारा घर. ठीक है, घर में ही पेट डॉग रहते हैं तो उनका हैबिटेट क्या हुआ, हमारा घर ही उनका हैबिटेट हो गया. तो हैबिटेट क्या होता है, नेचुरल होम होता है. क्लियर? नाउ समरी, प्लांट्स अडैप्ट देमसेल्फ अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ देयर हैबिटेट. प्लांट अपने आप को उसी में ढाल लेते हैं, उस क्लाइमेटिक कंडीशन में ढाल लेते हैं जहाँ पर वो पैदा होते हैं या फिर जहाँ पर वो रहना शुरू कर देते हैं. ठीक है, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स ग्रो ऑन लैंड, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स लैंड में ग्रो करते हैं. टेरेस्ट्रियल प्लांट्स आर फाउंड इन प्लेन्स, हिली मार्शी एरियाज, कोस्टल एरियाज एंड डेजर्ट. टेरेस्ट्रियल प्लांट्स भी तरीकों से ग्रो करते हैं, लैंड तो है ही है, लेकिन लैंड भी कहाँ कहाँ है वो देखना है. प्लेन्स में जहाँ पर बराबर सी ज़मीन है वहाँ पर उनको बोलते हैं प्लेन्स, हिली या हिल्स पहाड़ वाले इलाकों में. मार्शी लैंड्स जहाँ पे पानी के आसपास चारों तरफ वाला एरिया, उसको कीचड़ वाला या दलदल वाला इलाका भी बोलते हैं, उसको बोलते हैं मार्शी लैंड्स. कोस्टल एरियाज समुद्र के किनारे वाले एरिया जहाँ पे सॉल्ट होता है, सॉल्टी वाटर ज़्यादा होता है, रेत होती है, वो उसे हम कोस्टल एरिया बोलते हैं, समुद्र के आसपास. ठीक है, डेजर्ट रेत वाला इलाका, इसको ये सारे किस के अंडर आते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के ही फॉर्मेट है. प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड एक्वाटिक प्लांट्स. जितने भी प्लांट्स ग्रो करते हैं पानी के अंदर या पानी के ऊपर, उनको हम क्या बोलते हैं, एक्वाटिक प्लांट्स बोलते हैं. क्लियर? एक्वाटिक प्लांट्स आर, एक्वा मतलब होता है पानी, हाइड्रा मतलब भी पानी होता है, तो एक्वा मतलब पानी है, इस वजह से एक्वाटिक प्लांट्स बोल दिया गया उनको. एक्वाटिक प्लांट्स आर फर्दर कैटेगराइज्ड एज फ्लोटिंग प्लांट्स, फिक्स्ड प्लांट्स एंड सबमर्ज्ड प्लांट. यहाँ पर अंडर वाटर को सबमर्ज्ड प्लांट भी बोला गया है. ठीक है, उसका दूसरा नाम सबमर्ज्ड प्लांट भी होता है. तो एक्वाटिक प्लांट तीन कैटेगरीज में डिवाइड है, फ्लोटिंग
जो सिर्फ ऊपर ऊपर तैरते हैं, फिक्स्ड जिनकी रूट्स फिक्स्ड होती हैं अंडर द वाटर, और सबमर्ज्ड जो बिल्कुल ही पानी के अंदर होते हैं, उनका कोई भी पार्ट ऊपर पानी के ऊपर नहीं दिखता है, उनको हम सबमर्ज्ड या फिर अंडर वाटर प्लांट बोलते हैं। क्लियर? आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड अबाउट द कीवर्ड्स एंड समरी ऑफ दिस चैप्टर। टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द एक्सरसाइज पार्ट विच यू हैव टू डू इट इन योर बुक ओनली, एंड आई विल टेल यू वॉट यू हैव टू डू इट इन योर क्लास वर्क कॉपी एंड वॉट यू हैव टू डू इट इन योर बुक। Don't touch the copy unless and until without my permission. Clear? First, you have to tick all the exercises in the book and then I will tell you what you have to do in your fair copy. Is it okay? So, your homework is to learn keywords and read summary. Thank you so much.